दोस्तों एक बार फिर से आपका लैंग्वेज ट्रेनर राजेश सामने हाजिर हूँ आपके साथ एक और नए हमारे सेशन को लेकर। आज की अगर मैं एक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो आज की एक्टिविटी है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले हमारे जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी एज यू कैन चेक इट आउट वी हैव गॉट वन बॉक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज ऑल अबाउट योर फोकस। इट मीन्स हमें फोकस करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। अभी फोकस किन किन पॉइंट्स के ऊपर करना है? एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है थिंग्स दैट यू लाइक और डिसलाइक्स, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जो अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट इज थिंग्स यू लाइक डूइंग एंड थिंग्स दैट यू डोंट लाइक डूइंग, जो काम आपको करने अच्छे लगते हैं और जो काम करने आपको अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पीपल यू लाइक, द टाइप ऑफ पीपल यू लाइक, किस तरीके के लोग जो आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ प्लेसेस यू लाइक, किस तरीके की जगह आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनके बारे में बात करनी है। फ्रेंड्स, हमारी राइट हैंड साइड में जो ये वाला बॉक्स है जिस पर अभी मैंने टिक मार्क किया, ऑल द सेम इट इज़ ऑल अबाउट आवर वोकैबुलरी बूस्टर, और इससे हमारी जो वर्ड पावर है वो बढ़ेगी। बुक्स के बारे में आपको पता है, पीरियोडिकल्स के बारे में आपको पता है, साइंस में आपकी टर्म्स होती हैं, पीरियोडिक टेबल्स होती हैं आपकी। यहाँ पर जर्नल्स में आर मिसिंग है, अपना आर यूज़ कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर आप जानते हैं, अखबार, मैगजीन्स मैगजीन्स होती हैं। पल्प फिक्शन यहाँ पर गौर से समझिए, एक लो पेड राइटर के द्वारा या एक नोविस जो होता है, नौसिखिया जो राइटर होता है, वो किसी एक नए नवेले अखबार के लिए जो आर्टिकल लिखता है, जो राइटिंग के लिए जो काम देता है, उसको हम लोग पल्प फिक्शन बोलते हैं। ग्रीगेरियस इज अ टाइप ऑफ फेलो, जो हमेशा दूसरों के साथ रहने की इच्छा रखता है। फ्रेंडली का आपको पता है, जो फ्रेंडली होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, और पैसिमिस्टिक होता है दोस्तों निराशावादी। बैलेंस्ड इन आउटलुक, जो दिखने में बैलेंस होता है, ना ज़्यादा अच्छा होता है ना ज़्यादा बुरा होता है, ना ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। तो आइए रुक करते हैं आगे, हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या दी गई है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, टेल द टीचर अबाउट, हमें टीचर को बताना है किस बारे में। टू थिंग्स यू लाइक एंड टू थिंग्स यू डोंट लाइक, जो दो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, दो चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक नूडल्स। तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में आपको भरना है दोस्तों दो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, दो चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक जूस बट आई डोंट लाइक टी, राइट? आई लाइक जूस, आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी, ये चलेगा आपका। दूसरा है देखिएगा, टू एक्टिविटीज दैट यू लाइक डूइंग एंड टू एक्टिविटीज दैट यू डोंट लाइक डूइंग, दो काम जो आपको करने अच्छे लगते हैं, दो काम जो आपको करने अच्छे नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सिटिंग इन द विंटर सन बट आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन द रेन। तो क्या हो सकता है, हमें क्या करना अच्छा लग सकता है? हमें अच्छा लग सकता है, आई लाइक स्विमिंग इन स्विमिंग पूल बट आई डोंट लाइक स्विमिंग इन पॉन्ड, हो सकता है। दूसरी एक्टिविटी आपको क्या अच्छी लगती है और क्या अच्छी नहीं लगती है, दूसरा आपको ये खुद फिल करना है। अभी जैसा आप लोग देख सकते हैं, इससे आगे हमारा इट इज़ ऑल अबाउट योर डे फोर्टीन की ये आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 81 है फ्रेंड्स हमारी किताब का। तो आगे चेक करिए, टाइप्स ऑफ पीपल यू लाइक एंड टाइप्स ऑफ पीपल यू डोंट लाइक। तो आपको बताना है, लाइक आई लाइक पीपल हु आर फ्रेंडली एंड फन लविंग, आई डोंट लाइक पीपल हु स्पीक इल ऑफ अदर्स, जो फ्रेंडली होते हैं वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जो दूसरों के बारे में बड़ी बुरी बुरा बोलते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, आई लाइक पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक बट आई डोंट लाइक पेसिमिस्टिक पीपल। आई लाइक हु आर spendthrift but I don't like people who are miser. spendthrift जो होता है पैसे को खर्च करने वाला होता है, miser आपका कंजूस होता है। I like people who are friendly and fun loving. I don't like people, ये इसमें दे ही रखा है आपका, who speak ill of others। तो एक और आपने अपनी तरफ से भरना है, आप सोचिए विचारिए और भरिए। नेक्स्ट है दोस्तों, types of places you like and types of places you don't like. For example, I like places where there are lots of trees and woods. Woods होता है दोस्तों जंगल, ओके? जैसे वुड कमल होता है लकड़ी, और वुड्स आपका जंगल बन जाता है। वाटर कमल होता है पानी, और वाटर्स आपका समुद्र बन जाता है।
but I don't like places where are full which are full of buildings and crowds. So I like places where natural beauty is there, but I don't like places where pollution is there. हाँ, हो सकता है. दूसरे वाला आपको खुद फील करना है. एक्टिविटी अभी दी गई है दोस्तों, देखिएगा. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट ही और शी लाइक्स एंड डिसलाइक्स. पहली बात करनी है बुक की, ठीक है. तो ही और शी के बारे में बताना है दोस्तों. तो हम कैसे बताएंगे? ही लाइक्स स्टोरी बुक्स बट ही डजंट लाइक कॉमिक्स. चलेगा? मूवीज. ही लाइक्स शोले बट ही डजंट लाइक कुछ कुछ होता है. चलेगा? नेक्स्ट इज एक्टर्स. ही लाइक्स अक्षय कुमार बट ही डजंट लाइक शाहरुख खान. नेक्स्ट इज सोप ओपेरा ऑन टीवी, जो दोपहर का शो होता है. अभी दोपहर का जो शो होता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तो आपको ये फाइंड आउट करके फिल करना है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स फूड. ही लाइक्स इंडियन फूड बट ही डजंट लाइक इटालियन वन. चलेगा? अभी आगे देखिएगा. प्लेसेस, उसके बारे में बात करनी है. तो ही लाइक्स प्लेसेस कौन कौन से अच्छे लगते हैं. ही लाइक्स गोवा बट ही डजंट लाइक शिमला. चलेगा? एक्टिविटीज क्या है? ही लाइक्स सिटिंग इन विंटर सन बट ही डजंट लाइक गोइंग आउट इन रेन. ये पहले ऑलरेडी हमारा हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ पीपल. ही लाइक्स कौन से वाले? ही लाइक्स डॉगमेटिक बट ही डजंट लाइक. वेल इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पीपल, कई तरीके के लोग होते हैं. जैसे एरोगेंट होता है, आपका ए से बनता है, बी से आपका ब्लेज्ड बनता है, सी से आपका थोड़ी देर में बताता हूँ, डी से आपका डोगमेटिक बनता है या डिफिडेंट बनता है, ई से एक्सट्रोवर्ट बनता है, एफ से आपका फ्यूरियस बनता है, जी से आपका ग्रीगेरियस बनता है, एच से ऑनेस्ट बनता है, आई से इंट्रोवर्ट बनता है, जे से आपका जेलस बनता है, के से क्लेप्टोमैनिक बनता है, एल से लेथार्जिक बनता है, एम से माइजर हो गया है आपका. तो कई तरीके के हमारे आदमी होते हैं. ही लाइक्स, तो उसको कौन से वाले अच्छे लगते हैं, कौन से वाले अच्छे नहीं लगते. ही लाइक्स एक्सट्रोवर्ट बट ही डजंट लाइक इंट्रोवर्ट पीपल. चलेगा? सब्जेक्ट्स टोट एट स्कूल और कॉलेज. ही लाइक्स इंग्लिश बट ही डजंट लाइक मैथ्स. नेक्स्ट दोस्तों फूड. यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर आपको कोर्स आना चाहिए था, यहाँ पर कोर्स लिखा गया है. फूड कोर्स कौन कौन से अच्छे लगते हैं? ही लाइक्स मेन कोर्स बट ही डजंट लाइक स्टार्टर. जो खाने की शुरुआत में खाया जाता है, मेन कोर्स जो मेन खाना होता है, फिर लास्ट में आपका डिजर्ट होता है, राइट. नेक्स्ट इज या फूड आइटम्स की भी आप बता सकते हैं. सिंगर्स एंड एल्बम्स. ही लाइक्स हंसराज हंस बट ही डजंट लाइक कौन? ही डजंट लाइक कोई भी और सिंगर. जो सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ तो ही लाइक्स हंसराज हंस बट ही डजंट लाइक अतीफ असलम, शायद ये नाम होगा. एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट नेम्स ऑफ सिंगर्स, राइट. सो यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो आगे फिर हमारा नेक्स्ट डे आता है दोस्तों. अभी ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई, इनमें आपको फिल करना है दोस्तों, और ये बोलने की प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा हो सकता है. फिर से मैं आपको बताता हूँ, बोलना बोलने से आएगा फ्रेंड्स, सुनने से नहीं आएगा. तो ये अपने टॉकिंग पार्टनर आप एक बनाइए जिसके साथ में आप ये सारी बातें कर सकते हैं. उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज़ के बारे में पता कीजिए, और फिर ये राइटिंग के लिए हैं. ये हमारी वर्कशीट्स हैं जो हमारी पेज, हमारी बुक का ये डे था, डे 14th, और बुक का नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय राजेश रिसामिया. सो गाइस, एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जो अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9541878889 पर ले सकते हैं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और आपको सोल्यूशन देने की पूरी ट्राई करूंगा. सो वंस अगेन, आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश ब्रिसामे राइट हियर. आई विल मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग. जस्ट चिल, कीप ऑन हैविंग फन. मे लक स्माइल ऑन यू. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. थैंक यू.